टेंथ क्लास बेटे 4.3 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 460 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटे, सबसे पहले तो आपको बड़े वर्ग की भुजा माननी पड़ेगी, मान लेंगे वो एक्स है, छोटे वर्ग की भुजा मान लेंगे वाई है, और उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर वर्ग, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बनेंगे। उन दोनों का योग कितना दिया है, 460 दिया है, और कहता है उनके परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 4 गुना भुजा, तो ये 4x और 4y, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 24 दिया है, तो वहां से हमें एक्स और वाई निकालना है। देखो बेटे, दो वर्गों के क्षेत्रफल का जो 460 मीटर स्क्वायर है, तो मान लेते हैं, पहले मान लो बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा जो है वो है एक्स मीटर, और मान लो छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा जो है वो है वाई मीटर, ये आ गया वाई मीटर। अब जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफलों का जो, पहले वर्ग की भुजा कितनी है x, उसका क्षेत्रफल कितना होगा एक्स स्क्वायर, और दूसरे का y है भुजा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वाई स्क्वायर, इन दोनों का योग वो कितना है 460, इसको दे दे नंबर एक, और साथ में कहता है परिमापों का अंतर, हमें इनके परिमापों का अंतर दिया है वो किसके बराबर है 24 के बराबर है, परिमापों का अंतर बराबर है 24। अब देखो परिमाप, पहले का भुजा x है तो परिमाप क्या होगा 4x, और दूसरे की भुजा y है तो क्या होगा 4y, इन दोनों का अंतर, अंतर माइनस से करेंगे वो किसके बराबर आएगा 24 के बराबर आएगा, ठीक है, बराबर है 24। तो यहां से देखो 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचा x माइनस वाई बराबर है 24, 4 काटो 4 छिके 24, तो x माइनस वाई बराबर है 6, इसको देते हैं नंबर 2। अब x 1 और 2 दोनों को सॉल्व करना है, x y निकालना है, तो नंबर 2 से यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, x की निकाल लो, ये माइनस वाई उधर जाके क्या होगा प्लस 6, 6 प्लस वाई। अब ये नंबर 1 में पुट कर दो ये वैल्यू, वह क्या था एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर मीन एक्स की, अब ये लिखना है 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 460। अब ये अगर इसको खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ जी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है बेटे, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ गया, 6 के 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6 × 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये 460 प्लस का है वो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस 460 बराबर है 0। अब देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना बना 2y स्क्वायर प्लस 12y, और 36 माइनस 460, 460 में से 36 गए, 432 बचे, लेकिन बड़े के साथ माइनस है इसलिए ये माइनस में आएगा। अब दोनों 2 निकाल दिया, क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से डिवाइड करो 216 आएगा, तो ये 2 इधर चला गया, 0 बटा कुछ भी हो 0 ही होता है, तो आपके पास क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 बटा 2, 0 बटा कुछ भी हो 0 ही होता है। अब इसके हम गुणनखंड बनाएंगे, देखो एस कितना है हमारे पास 6 है, प्रोडक्ट कितना है 1 को माइनस 216 से किया माइनस 216। अब आपको इसके गुणनखंड बनाने हैं 18 और 12, तो ये कहेगा 18 माइनस 12 और ये आएगा 18 गुना माइनस 12, तो देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 6y है तो इसके साथ y लगा दो, कहेगा 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर है 0। अब दोनों में से y कॉमन निकल रहा है, y प्लस 18, तो इधर भी y प्लस 18 ही लिखोगे, तो देख लो y के साथ क्या है माइनस 12, तो ये माइनस 12 बराबर है 0, ब्रैकेट खोल के देख लो माइनस 12 बाय माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको करोगे तो 216। अब पूरे में से y प्लस 18 कॉमन निकल गया, y प्लस 18 आ गया, और आपके पास क्या बचा y माइनस 12 बराबर है 0, एक बार y प्लस 18 को 0 के बराबर करो और एक बार y माइनस 12 को 0 के बराबर, y आ गया प्लस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और इधर y माइनस क्या तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो y क्या था हमारे पास, वो था छोटे वर्ग की भुजा, भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, रहने देंगे, तो y हमारे पास कितना आ गया 12। तो अब नंबर 2 में देखो हमें y निकल गया तो x भी निकालना है, नंबर 2 आपके पास है x माइनस वाई बराबर 6, तो नंबर 2 में एक्स माइनस वाई कितना है 12 बराबर 6, तो यहां से आप देखो वैल्यू निकाली x माइनस वाई, वाई 12 था बराबर 6, तो x बराबर 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 और 6 कितने हो गए 18, तो बड़े वर्ग की भुजा हो गई 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा हो गई 12 मीटर। थैंक यू बेटा।